हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था बायोलॉजी क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड यूनिट 1 में जो हम चल रहे हैं, आज उसका हम लोग फोर्थ वीडियो लेक्चर में आ चुके हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, मतलब डिस्कस कर ली हैं, आपको रिवाइज करनी है, वो सब चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ने जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि कैसे हमें जो है जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हमें किस तरह से जो है फैसिनेट करती है। फिर हमने अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा था, जिनका बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टेक्सोनॉमी को लेकर के, इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड क्या है, कैसे है, कितना ब्यूटीफुल है हर चीज़ नेचर के बारे में। फिर हम आए थे व्हाट इज़ लिविंग, और हमने ये देखा था कि इसमें हर आस्पेक्ट को लेकर हमें चलना होता है, किसी एक आस्पेक्ट पर आंसर देना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ में हमने कहीं ना कहीं कंट्रास्ट जो है वो स्टडी किया था। फिर हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इन तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सीखा था, और मैग्नीफेरा इंडिका जो कि मैंगो ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमने जो है डिस्कस करा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये सीरीज़ वाइज एक एक करके जो है टॉपिक आपको मिल रहा है। अब हमारे पास आज जो आएगा वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, कि आखिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वैसे तो आपको ये पता ही होगा जो हमारी ये स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम जो होता है, डिवीज़न, किंगडम, ये सब हमारी अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ोगे, जो चीज़ें आपने शायद 9th में ना पढ़ी हुई या स्किप हो गई होंगी, वो चीज़ें आप इसमें जो है पूरा कवर कर लेना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो क्या बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं है। किसी चीज़ को क्लासीफाई कर देना सिर्फ एक स्टेप में नहीं होता। हम देखते हैं हर एक, हमने एक यूनिट ली, फिर एक चैप्टर को उसमें क्लासीफाई किया, फिर उसके कितने सब पार्ट्स बन गए, और कितनी ज़्यादा वीडियोज़ है एक ही चैप्टर पे, फाइव एक यूनिट का चार चैप्टर जो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, वन यूनिट है उसके फोर चैप्टर्स हैं, फिर उन फोर चैप्टर्स में एक चैप्टर के फाइव वीडियोस, तो और आगे आने वाले चैप्टर्स अगर लेंथी होंगे तो और मोर वीडियोस। तो इस तरह से हम उसको कितना डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन भी अगर हम देखते हैं, इसी तरह से कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, वो उसमें एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है, एंड इन ईच स्टेप, हर एक स्टेप अगर हम देखें तो उसमें एक रैंक होती है, एक कैटेगरी होती है, मतलब वही बात है, हम उसको सब डिवाइड करते हैं। तो यहीं पर हम वही कैटेगरीज की बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी तो हमने स्टडी की, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, लेकिन हमने कैटेगरीज कैसे प्रोवाइड की, उनको क्लासिफाई किस अकॉर्डिंगली किया है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ऑल ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब एक तरह से स्टेयर्स समझ लो, वही होती है हायरार्की। तो एक साथ देखो यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे चीज़ें, वो सब हमारी किससे रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमी वर्ड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसी को जब ऑर्डर में बोलते हैं तो इट इज़ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको नॉमेनक्लेचर करना है, फिर उनका क्लासिफिकेशन करना है, और हम क्लासिफिकेशन पर आ गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। और सिंस द कैटेगरी इज अ, हाँ हमने देखा कि क्योंकि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और अगर देखा जाए तो हर एक कैटेगरी, जितने भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, वो हमारी क्या होंगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की होंगी। और यहाँ पर हमने कितनी सारी जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की को जो है डिस्कस करना है, 7 आई थिंक है ये हायरार्कीज में, जो एक हायरार्की में 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो आ जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। अब यहाँ पे इसका प्लूरल होता है टैक्सा। तो बेसिकली इस कैटेगरी में हर एक यूनिट को हम जो है क्या बोलेंगे, टैक्सोन बोलेंगे। और जितने भी हम ये पढ़ेंगे ना, जीनस, फैमिली, ये सब अब एक एक टैक्सोन है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे। अगर इसके एग्जांपल तुम्हें टफ लगे तो मैं तुम्हें साथ साथ में, अभी हम जब ये कैटेगरीज को पढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ और एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करूंगी साथ साथ में, तुम उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इनको तो याद करना ही है एनसीईआरटी के, लेकिन अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बता सकती हूँ।
इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें थ्री पेयर्स होते हैं और उनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड लेग्स के तीन पेयर्स उन पर प्रेजेंट होते हैं। हम देखते होते हैं सिक्स लेग्स होते हैं उनके, तो ये हम देखते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इसीलिए हमने देखा कि इंसेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, एक रैंक या फिर एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप्स जो हम पढ़ेंगे वो भी कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट करती है, जो कैटेगरी हम बिगिनिंग से डिस्कस कर रहे हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और वही कैटेगरी फिर रैंक, यानी कि ग्रुप कैटेगरी रैंक, ऐसा चलता है। तीनों को हम एक तरह से बोल सकते हैं, और यही टैक्सोन भी आपका, ठीक है। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं उनकी यूनिट्स यही टैक्सोन्स हैं, मतलब टैक्सा प्लूरल में। These taxonomic groups या categories are distinct biological entities and are not merely morphological aggregates. अगर देखा जाए तो ये taxonomic groups जो हैं ये biological entities हैं। Biological entities हम उनको इस तरह से बोलते हैं कि हमने जो इनकी grouping की है वो उनके biological features को study करके की है, ना कि उनकी morphological aggregates। सिर्फ ये नहीं देखा कि उनकी body किन किन चीज़ों से बनी हुई है, किन चीज़ों से composed है, उनके क्या morphological aggregates हैं, बस इनका accumulation नहीं किया है हमने, हमने उसके साथ उसकी biological entities को भी देखा है कि आखिर biologically क्या features, क्या characteristics जो है वो share करते हैं, उनमें similar हैं, उनमें dissimilar हैं, इसको देखते हुए फिर हमने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो फर्दर किया है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक है, कि वो उनका सिर्फ जो है मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। हाँ, फाइलम और डिवीजन में एक चीज़ आपको, हाँ ये हम पहले समझ लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हैं, जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमने टैक्सोनॉमिकल स्टडी की है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो हम बता ही रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हैं हर ऑर्गेनिज्म की, नॉन ऑर्गेनिजम्स की तो करते ही हैं। अगर हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म हमें पता चलता है, हम उसको डिस्कवर करते हैं, तो फिर उसकी अलग स्टडी जो है वो की जाती है। यहाँ पर हम नॉन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिजम्स को हमें पहले पढ़ना है, अननोन को तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैव लेड टू डेवलपमेंट, इससे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कॉमन कैटेगरीज, इससे हमने कैटेगरीज बनाई, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे किंगडम, फाइलम। किंगडम सबसे ऊपर होता है, इसमें हम प्लांटे और एनिमेलिया डालते हैं। फिर फाइलम होता है, फाइलम और डिवीजन। इसमें एक चीज समझनी होती है आपको कि जो फाइलम है और जो डिवीजन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। फाइलम जो है वो एनिमल्स के केस में आता है, डिवीजन जो है वो प्लांट्स के केस में आता है, इसीलिए और करके लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। फाइलम मींस एनिमल केस एंड डिवीजन मींस प्लांट केस। और ये तो पता ही होगा तुम्हें कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनिमल, ठीक है, हम भी एनिमल्स के ही उसमें आते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते हम बायोलॉजी के पर्स्पेक्ट में। फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये हैं तुम्हारे कैटेगरीज, यहीं पे हाईलाइट कर लो, और अभी आगे तो आएंगे डिटेलिंग में, ये मैंने बता दिया, ये तुम्हारे कैटेगरीज। सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे लोएस्ट जो है, चाहे एनिमल ग्रुप की बात करें चाहे प्लांट ग्रुप की बात करें, सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी होती है वो हमारी स्पीशीज की होती है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, द बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करना हो, उनके कैरेक्टर्स की नॉलेज हमें हो, उसी से जो है ये हमारा जो कैटेगराइजेशन होता है ये प्रोसेस होता है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसी से हमें पता चलता है कि कैसे हम जो है, जब हमें स्टडी करनी है, जब हमने उसकी नॉलेज गेन कर ली, तब हम इजीली उसको सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देखते हुए उसको जो है एक इंडिविजुअल से और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है रिलेट कर पाते हैं, और वेरियस अदर काइंड, उसके कम्युनिटी वाले भी, मतलब उस ग्रुप के, उस स्पीशीज के भी, और डिफरेंट स्पीशीज के साथ जो है कोरिलेट करके जो है हम इसको
कर सकते हैं फिर बाद में, जो ये कैटेगराइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्पीशीज़ है और सबसे लोएस्ट लेवल है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, जिसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अपेरेंस सेम हो, बॉडी फीचर सेम हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब हमारे बेसिकली इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। इनके कुछ फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इनमें होती हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज मीन्स उनके बेसिकली अपेरेंस में जो डिफरेंसेज होते हैं और उनकी बॉडी कंपोजिशन जो है उसमें जो डिफरेंसेज होते हैं उनसे हम उनको बेसिकली देख लेते हैं। जैसे कि हमने मैग्निफेरा इंडिका की बात की है, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पेंथ्रा लियो लायन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। इनकी स्पीशीज डिफरेंट है। स्पेसिफिक एपिथेट मैंने पहले भी बताया, सेम है स्पीशीज के लिए बताया जाता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलैनम एंड पेंथ्रा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी। या मैग्निफेरा, अच्छा मैग्निफेरा इंडिका जिसको पता होगा पिछली वीडियो में, वो सब एक एक लाइक दोगे मुझे, जिसको मैंने बता रखा है पिछली वाली वीडियो में व्हाट वाज मैग्निफेरा इंडिका, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया था वो, तो जस्ट लाइक द वीडियो। तो मैग्निफेरा इंडिका में मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैग्निफेरा हमने डिस्कस किया था कि जीनस के बारे में हमने बताया था, उसमें मैंने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा जब तुम ये पढ़ोगे तब। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं ना एक हायर लेवल है कैटेगरी का, तो अब हम जानते हैं फैमिली के जो ये हमारे स्पीशीज है उसके बाद जीनस आता है, तो वो जीनस को बिलोंग करते हैं। मैग्निफेरा पेंथेरा ये सब एक जीनस है, आर जेनेरा वही जेनेरा बोल रहे हैं, जीनस भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल का जो है वो है, प्लूरल में जेनेरा और सिंगुलर में जीनस बोला जाता है। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल, ये हो गया हमारा जेनेरा, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इनमें कुछ ना कुछ जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं एक जीन में जब हम, मतलब जीनस में जब हम जाते हैं। स्पीशीज में तो हमने देख लिया कि कितना, स्पीशीज की सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही होती है कि इनके अपेरेंस बॉडी फीचर सिमिलर होते हैं, साथ में इंटरब्रीड कर, मतलब ये ब्रीड कर सकते हैं, है ना, ये एक साथ में आते कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक स्पीशीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दे आर एबल टू ब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये स्पीशीज की सबसे ज़्यादा जो है पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। अगर स्पीशीज नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्पीशीज के बारे में, बाकी यहाँ पे भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो एक कंक्लूजन मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें आ गया समझ में, अच्छा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हमारे जो है उनके कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे सिली एग्जांपल, मतलब सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो ये ले लो कि जैसे हमारा पेंथ्रा लियो पेंथ्रा टिग्रिस है, पिछली वाली वीडियो में बताया था पेंथ्रा लियो पेंथ्रा टिग्रिस के बारे में। तो पेंथ्रा लियो और पेंथ्रा टिग्रिस में क्या है कि पेंथ्रा लियो लायन है, पेंथ्रा टिग्रिस, अच्छा लियो, और इसमें कन्फ्यूज मत होना, लियो से लायन होता है एल से और टिग्रिस टाइगर से हो रहा है तो टाइगर के लिए होता है, पेंथ्रा टिग्रिस हो गया तुम्हारा टाइगर। ये दोनों पेंथ्रा जीनस को ही बिलोंग करते हैं, बट लायन और टाइगर क्या टोटली सेम होते हैं? नहीं होते, इनकी स्पीशीज अलग है। लायन और टाइगर अलग अलग स्पीशीज नेम है ना, बाद में स्पेसिफिक एपिथेट है उनका वो अलग है, तो इससे पता चलता है कि आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन दोनों पेंथ्रा ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं इनमें, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सिमिलरली आपको बताया गया है सोलानम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोगेना, ओके। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, हमारा नाम मैंने बताया था होमो सेपियंस है, ठीक है, पिछली वाली वीडियो से बता रही हूँ। और एक और चीज़ नोटिस करना, जिन जिन बच्चों ने पिछली वाली वीडियोस देखा है वो तो कर ही रहोगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो और नोटिस भी करो। ये पेंथरा देखो, ठीक है, सेपियंस देखो, मैंने जो बताया था, क्योंकि मैंने कहा ना हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचो, सेपियंस और पेंथरा में ये चीज़ देख लो तुम, तुमको तुमने पिछली वाली वीडियो में क्या देखा है कि हाउ टू राइट, कैसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। और यहाँ पे देख लो सेपियंस इटैलिक्स में है, स्मॉल लेटर में एस है, पेंथरा पी कैपिटल है इटैलिक्स में, और अगर तुम हैंड रिटन वे में एग्जाम में लिखोगे तो यू हैव टू अंडरलाइन एंड सेपरेटली अंडरलाइन करना है जीनस और स्पीशीज नेम को, ठीक है। विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो, होमो हमारा जीनस हमें पता है, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस, इसलिए हमारा नाम क्या है होमो सेपियंस, ये हमें याद रखना है। अब आता है जीनस, सेकेंड लेवल कैटेगरी जो है जीनस, यानी कि स्पीशीज के एक्युमुलेशन को जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, इसमें सारे रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो जीनस में आते हैं।
विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। अगर हम बात करें एक जीनस में आने वाले स्पीशीज, जैसे पेंथरा जीनस जो है, तो पेंथरा लियो पेंथरा टिग्रिस में ज़्यादा क्या होंगी, सिमिलैरिटीज होंगी एज कम्पेयर टू अनदर जीनस। कोई और डिफरेंट जीनस अगर हम लेते हैं, है ना, तो जैसे मैग्नीफेरा जीनस ले लेते हैं, तो उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यही वो बता रहे हैं कि अगर हम पेंथरा जीनस को मैग्नीफेरा जीनस से, भले ही उन स्पीशीज में डिफरेंस है, टाइगर लाइन में डिफरेंस है, लेकिन अब हम हायर लेवल पर सोचेंगे, पेंथरा और मैग्नीफेरा इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वी कैन से दैट जेनेरा और बेसिकली क्या है, पेंथरा लियो पेंथरा टिग्रेस सेम है, लेकिन पेंथरा लियो और पेंथरा टिग्रेस जो है, ये दोनों किससे डिफरेंट हो गए, अनदर जीनस मैग्नीफेरा इंडिका से। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दो जीनस जो जीनस में एक होते हैं, एक स्पीशीज जितने जीनस में होते हैं रिलेटेड होते हैं आपस में, और वो दूसरे वाले जीनस से जो है वो डिफरेंट होते हैं। We can say that genera are aggregates of close related species, ये हमने पढ़ लिया है। For example, potato, tomato and brinjal are three different species but all belong to the genus Solanum. ये सब एक ही genus को belong करते हैं। Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus and tiger, Panthera tigris with several common features are all species of the same genus Panthera. ये भी हमने पढ़ लिया, मैंने बताया तुम्हें, मैं दो बता रही हूँ, Panthera pardus भी याद हो जाए तो याद कर लो, दो लेकिन याद रखना example में comparison देने के लिए। This genus differs from another genus Felis which includes cats. हाँ, Felidae genus जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये Felis है, ये बताया गया तुम्हें, इसमें cat आते हैं तो ये इनसे different है, है ना। वैसे मैंने आपको बताया Panthera और आप Magnifera का देखो, ये different है, Solanum का देखो तो वो different है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि species accumulate करके एक genus बनाती हैं, तो उस genus में जितनी भी species होती हैं वो आपस में similar होती हैं, लेकिन वो दूसरे वाले genus से different होती है, ठीक है। अब आते हैं family पर। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब जीनस को जोड़ दिया, जोड़ते जाना है, ठीक है, स्पीशीज से जोड़ के हमने जीनस बनाए, जीनस से जोड़ के अब हम फैमिली बनाएंगे उनकी, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। अब यहाँ पे फिर हमारी जो सिमिलैरिटीज है वो कम हो जाती है दो फैमिलीज में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली बेसिकली हम एक तो वेजिटेटिव, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वेजिटेटिव उनका क्या फीचर रहा है और रिप्रोडक्टिव क्या फीचर है, उस पर हम इनकी क्लासिफिकेशंस करते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलानम पिटूनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानसे। ये फैमिली है इनकी, ये तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पेंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपार्ड, हमने पढ़ा था इससे पहले, है ना, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडे। ये इनकी फैमिली है फेलिडे। अब ये बताओ कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ये दोनों डिफरेंट है, ऊपर वाली लाइन देखो ना, वो कन्फ्यूजन दूर जाएगा। ऊपर क्या पढ़ा था, दे डिफर फ्रॉम जीनस फेलिस, तो जीनस से डिफर कर रहा है, लेकिन जब फैमिली आती है तो ये एक ही फैमिली में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा आएंगे, है ना। स्पीशीज में सबसे कम आते हैं, बहुत कम, एक ही कैटेगरी वाले। जीनस में एक जीनस के अंदर 5-6 कैटेगरी वाले, फैमिली में एक फैमिली के अंदर 20-25 वाले, तो इस तरह से इनके जो वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसके बाद देखो फैमिली में क्या हो रहा है, फेलिडे फैमिली जो है ना बेसिकली कैट्स की फैमिली होती है, ठीक है। और इस कैट्स में हम जानते हैं कि जो लायन टाइगर ये सब कैट्स की फैमिली से, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए फैमिली फेलिडे में आते हैं। फेलिडे फैमिली जो है वो बेसिकली कैट फैमिली बोलते हैं, लार्ज कैट फैमिली होती है फेलिडे। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल, दे आर सेपरेटेड इन टू टू फैमिलीज। अब ये याद रखना है, कैट और डॉग सेपरेट फैमिलीज। अब वैसे भी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी और जो हम फिजिकल देखते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं उनके डिफरेंसेज, तो उनके बीच में डिफरेंसेज होते हैं कैट और डॉग के बीच में। अगर हम कैट को टाइगर से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है उनके वे, मतलब भले ही हमने अभी उतना नहीं देखा है टाइगर को, बट साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग उनमें सिमिलैरिटी है, इसलिए वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं कैट और डॉग की, तो ये सेम फैमिली को बिलोंग जो है वो नहीं करते, तो ये हो जाता है हमारा, दे आर सेपरेटेड। ये दो अलग अलग फैमिलीज में आते हैं, फेलिडे एंड कैंकिडाई, ये दो सेपरेटेड फैमिली है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कि इनकी अलग अलग जो है, फेलिडे तो हमारी कैट्स की और दूसरी वाली जो है वो हमारी डॉग्स की फैमिली। अब हम इसके बाद आते हैं फैमिली के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में क्या होता है बेसिकली,
You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. हमने ये देखा है कि species, genus और families ये सब किसी न किसी characters के कारण जो आपस में interlinked और इनको हम grouping कर रहे हैं. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. अब यहाँ से order से अभी तो हमने एक character लिया कि cat family से belong कर रहा है, उससे पहले हम species में एक character के वो reproduce कर, उसके बाद हमने जो ये पढ़ा था genus उसमें हमने एक कोई भी एक कैरेक्टर, तो अभी तो हमारे मन में बस एक एक कैरेक्टर आ रहा है. लेकिन जैसे जैसे हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं हमारे डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आते जाते हैं. कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है समझना. देखो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लेंगे, क्यों कार्निवोरा भी है वो मैमल भी है, मतलब ऐसे करके अलग अलग उसको जोड़ देंगे. कैट फैमिली से भी बिलोंग कर रहा है. इस तरह से हमारे आगे के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो बनती है. ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी में आता है जब हम फैमिलीज के फैमिली को असेंबल करते हैं. जितने भी हमने अभी तक फैमिली मतलब एक एक को असेंबल करते जा रहे हैं ना, तो जब हम फैमिलीज को असेंबल करते हैं तो फिर वो ऑर्डर बन जाता है. इसमें फ्यू सिमिलर मतलब कैरेक्टर्स देखो कम होते जाते हैं, जितना लिंक स्पीशीज होती है जेनरा लिंक होता है, फैमिली किंगडम तक आते जाते हैं तो वो उनकी लिंक्स बहुत जो है कम होती जाती है. देखेंगे हम द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो गए नंबर में. अगर हम जब जेनरा की बात करते हैं डिफरेंट जेनरा एक फैमिली में आ जाते हैं, हमने देखा ना दो जेनरा एक फैमिली में आ गए तो उनमें डिफरेंसेस तो बहुत हैं. वैसे अगर हम ऑर्डर में देखेंगे तो क्या पता वो डिफरेंट जो फैमिलीज थी वो भी एक में आ जाएंगी. फिर जब हम क्लास देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स भी एक क्लास में आ जाएंगे. तो इस तरह से हम कहते हैं कि इनकी धीरे धीरे जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो कम होती जाती हैं. ठीक है, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉर्नवल विला के सोलाना के आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर polymanials mainly based on the floral characters. The animal order carnivora includes families like felidae and canidae. तो ये इस तरह से आपको बताया गया कि इस तरह से हम एक order की बात करते हैं. अगर हमको order में देखना है तो family, अच्छा इससे order का एक example और समझो, अगर ये थोड़ा tough लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा है, तो देखो तुम इस order को ऐसे समझो. देखो family of cats हम जानते हैं, इसमें हमारे lion हो गया, tiger हो गया, domestic cats जो होती है वो सब आ जाती हैं. ये family of dogs से belong करती हैं. किस तरह से? dogs, foxes, jackals ये family of dogs में आ जाते हैं और ये सारे के सारे एक order बनाते हैं, order carnivora. तो ये ज़्यादा ईजी है. वैसे तो यही एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है बट मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छे से कर दिया. तो मैं ये सब एक ही उसको बिलोंग करता है, दैट इज ऑर्डर कार्निवोरा. फेलिडे हो गया हमारी फैमिली ऑफ कैट्स एंड जो ये दूसरा वाला है कैनकिडाई वो हो गया हमारा फैमिली ऑफ डॉग्स. क्लास में आते हैं, अब हम क्लास में है. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब हमने ऑर्डर्स को एक साथ ले लिया, रिलेटेड ऑर्डर्स का हमने ये बता दिया क्लास. जैसे कि ऑर्डर प्रिमाटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट एंड डॉग. क्लास ममेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. अब यहाँ पे देखो ममेलिया में ये सब कुछ आ गया, तो इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि अब डिफरेंस तो है ना. मंकी को अगर हम देखें डॉग से, कैट से, टाइगर से, तो डिफरेंस बहुत आते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी कैटेगरीज बढ़ती जा रही है उनमें सिमिलैरिटीज कम होती जा रही है. तो ये हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. अगर ममेलिया का ही और एग्जांपल है तो जैसे हमारे हो जाता है जैसे कि आपका आर्टियोडैक्टिला होता है जिसमें कैमल पिग्स एंड काउज आ जाते हैं. फिर कार्निवोरा से ही कर लो इसको लिंक तुम, है ना. आर्टियोडैक्टिला को तुम फिर कार्निवोरा से लिंक कर लो जिसमें कैट्स एंड डॉग्स आ जाते हैं. इसमें फीचर्स क्या हो गए? सेम, जैसे हेरी स्किन है, शार्प कैनाइंस है, दे ऑल कैन प्रोड्यूस मिल्क. तो ये सब रीज़न है कि इनको फिर हम दोबारा से क्लास ममेलिया में डालते हैं. और ये रीज़न भी यहाँ पर तुमको दिया हुआ है क्लास ममेलिया का. मैं समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल तुम्हें शो कर रही हूँ. चलो फाइलम में आते हैं. फाइलम एंड डिवीजन, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना. फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. Mammals में हम भी आ जाते हैं तो हम भी इसी phylum category में आ जाते हैं. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. अब phylum chordata में वो सब आते हैं जिनके क्या होते हैं कॉमन फीचर, जैसे कि उनके नोटोकॉर्ड होते हैं, है ना, एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है. हम सबका न्यूरल सिस्टम एक तरह से डॉर्सल हॉलो होता है, इसीलिए हम एक ही उसमें आते हैं कॉर्डाटा में. अब यहाँ पे देखो तुमको अगर ये एग्जांपल में वो हो रहा है तो मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल आपको भी बता देती हूँ. जैसे कि हमारा होता है डिफरेंट एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग, रेप्टाइल, मैमल, ये सब कॉर्डाटा में आता है. यहाँ पर कॉर्डाटा आप ये भी लिख सकते हो कि एनिमल्स हैविंग बैकबोन. जो हम बैकबोन वाले एनिमल्स होते हैं वो भी कॉर्डाटा में ही आते हैं, तो इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं. और डॉर्सल हॉलो न्यूरल
सिस्टम और नोटोकॉर्ड ये भी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अभी नहीं आ रहा तो बेसिकली आगे इसका आएगा तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बारे में, तब समझ जाओगे तुम, ठीक है। अभी तुम इसको इतना भी समझो कि जिनके भी न्यूरल सिस्टम डॉर्सल हॉलो होते हैं और जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो सब कॉर्डाटा में आते हैं, और जिनके बैकबोन होते हैं दे ऑल कम इन कॉर्डाटा। अब प्लांट्स की बात करें तो क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स में भी ऐसे होता है कि प्लांट्स के लिए हम उनको क्या कहते हैं, डिवीजन, बस ये बताइए इनकी कैटेगरी हो जाती है डिवीजन। किंगडम में आता है, किंगडम तो मैं पता है किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमेलिया। देखो, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, फाइला मीन्स फाइलम का प्लूरल, फाइला आर असाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी। ये हाइएस्ट कैटेगरी होती है हमारी जिसको हम कहते हैं किंगडम, दिस इज द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब जो भी एनिमल्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया, और जो भी प्लांट्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटे। तो ये सिंपल है। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज जितने भी फाइलाज हमारे थे, जितने फाइला को हमने स्टडी किया था, जो भी फाइलम फाइलम थे और फाइला जो थे, फाइला इन प्लूरल, वो सब हमारे एक उसमें आ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं क्या है। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स, अलग अलग डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे फाइला नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन्स, ठीक है। अलग अलग डिवीजन्स के प्लांट्स मिलकर बनाते हैं किंगडम प्लांटे, और अलग अलग फाइला के एनिमल्स मिलकर बनाते हैं किंगडम एनिमेलिया, और सबसे हाइएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एनिमेलिया ये किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या थी, स्पीशीज। हैंसफोर्थ वी विल रेफर टू दीज ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। तो इसको आपको बता दिया गया कि ये हम जो है ये बहुत, क्योंकि हमने देखा ना कितना ज़्यादा, कितने सारे एनिमल्स आ गए होंगे इसमें, हम देख रहे थे बढ़ते जा रहे स्पीशीज जीनस, है ना, एक एक करके हमने क्या देखा कि वो बढ़ते चले गए फैमिली ऑर्डर क्लास। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे जो है ये बहुत बड़ा हो गया इस कारण से, और इसको हम जो है आगे के चैप्टर, आपको एक स्पेसिफिक चैप्टर ही इस यूनिट में दिया हुआ है तो वही आपको बता रहे कि हैंसफोर्थ हम इसको रेफर करेंगे। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम्स हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1। ये अभी ऑर्डर मैं आपको बता दूंगी, अभी आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। अब अलग अलग टैक्सा को और अच्छे से प्लेस किया जा सके, लेवल्स को और अच्छे से हम स्टडी कर सके, इसलिए साइंटिस्ट्स लोगों ने क्या किया, इनकी सब कैटेगरीज जो हैं वो बना दी हैं। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन, वन सेकेंड ना, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो मैंने बताया कि आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिक्रीज होती जा रही है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। हाँ, जितना लोअर स्पीशीज में सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है, फिर हम मान सकते हैं कि चलो स्पीशीज के बाद जीनस में भी शेयर कर रहा है, फैमिली तक, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद शेयरिंग का जो ये टैक्सा में होता है बहुत कम हो जाता है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो फिर उनकी रिलेशनशिप्स को भी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए बताया गया कि उन्होंने सब टाइप्स में उसको जो है डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे इंडिकेट किया है कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विथ सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग। इसके बारे में आपको बताया गया है। इस टेबल से पहले एक ऊपर की टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ये छूट ना जाए। ये है हमारी ये वाली टेबल, देखो ये बहुत इजी है और ये आप बना भी लो नोटबुक में, ठीक है, ये आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद वैसे तो याद करना आसान है, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ है ये है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा क्या है स्पीशीज, सबसे छोटा क्या है स्पीशीज, ठीक है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास फाइलम डिवीजन किंगडम। और मैंने सारा बता दिया तुमको अच्छे से, अब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्पीशीज में हमने क्या देख लिया, होमोसेपियंस का नाम दे दो, मैग्निफेरा इंडिका का नाम दे दो। जीनस में तुम्हें क्या करना है, किसी भी दो स्पीशीज को जोड़ सकते हो, जैसे कि लॉयन का ले लिया पेंथ्रा लियो एंड पेंथ्रा टिग्रिस, बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस पेंथ्रा। फिर फैमिली में हमें क्या करना है, स्पीशीज को जोड़ जीनस को जोड़ देना है, जैसे कि हमने क्या करना है, जीनस पैंथ्रा एंड जीनस फेलिस जो है हमारे, इसमें कैट्स आते हैं वो सब एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, पैंथ्रा वाली और कैट्स वाली जो फैमिली फैली है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करती है, दैट इज फेलिडे। फिर वैसे हम ऑर्डर में क्या करेंगे, फैमिलीज को जोड़ देंगे, इंटर रिलेटेड फैमिलीज, जैसे कि हमने देखा था फैमिली ऑफ कैट्स एंड फैमिली ऑफ डॉग्स बिलोंग्स टू कार्निवोरा ऑर्डर। फिर
ऑर्डर्स को जोड़ के क्लास बनाएंगे कैसे, इन जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे दे विल फॉर्म अ क्लास, जैसे कि हमने देखा था आर्टियोडैक्टिला और इसमें भी कुछ आपको एग्जांपल शायद दे रखा है, दूसरा नाम है उसमें कुछ एंड कार्निवोरा, मैं आपको बस एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको जिस तरह से याद हो जाए, ठीक है, तो दे बिलोंग टू द सेम क्लास। फिर फाइलम डिवीजन मैंने बताया था, फाइलम इन क्लेस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन क्लेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और उसके साथ ही साथ कॉर्डाटा हम लिख सकते हैं कि हैविंग बैकबोन, वो एक ही उसमें बिलोंग करता है। फिर किंगडम हमने देखा, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि एग्जांपल भले ही तुम समझने के लिए दूसरे याद करो, बट एनसीईआरटी एग्जांपल तुम्हारे कहीं कहीं पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो इसको धीरे धीरे मैं भी इसलिए इस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि अभी आगे जब हम उसको पढ़ेंगे ना, ये जो तुमको डॉर्सल ये हॉलो डॉर्सल वाला समझ नहीं आया है, कुछ भी अगर तुम समझ आए तो अभी इस पर इतना फोकस नहीं करने का, अभी क्या होगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप जो है क्लियर हो जाएंगी ये इस पर, क्योंकि अभी डिटेल स्टडी बाकी है, अभी तो हमने कुछ न्यू टर्म्स हम देख रहे हैं टैक्सा ये वो, तो इसको थोड़ा सा अभी समझ लेंगे और जो चीज़ अभी हम स्किप कर सकते हैं उसको हम अभी स्किप करेंगे। डॉर्सल न्यूरल वाला जो था और थोड़ा सा और जो कुछ कुछ टर्म्स थे वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा उसको अभी बताना, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए मैं बता रही हूँ इट्स माई गारंटी कि एवरीथिंग वुड बी क्लियर हेयर ओनली, तो ये मत सोचना कि छूट गया है कुछ भी, मैं एक अकॉर्डिंगली वे में बता रही हूँ तुम्हें, और अभी आगे आएगा चैप्टर में मैं तुम्हें तब पूरा डिटेल में समझाऊंगी, तब तुमको ये इजी लगेगा, अभी तुमको बस इतना ही समझना है कि उनकी डॉर्सल न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम उनका जो है वो होता है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, ये सब हमने स्टडी कर लिया, अब हमें क्या करना है इसको देखना है। देखो मैन होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेस से हम बिलोंग करते हैं, ऑर्डर हमारा प्रिमाटा और क्लास हमारा मेमेलिया, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, मस्का इसका जीनस है, फैमिली इसका मस्किडी है, ऑर्डर इसका डिप्टेरा है और क्लास इसका इंसेक्टा है। वैसे ही हमारा मैंगो हमने पढ़ा था मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस, फैमिली इसका आता है एनाकार्डी के, और इसका ऑर्डर है सेपेंडेल्स और क्लास है इसका डाइकोटिलेडनो, ठीक है। उसके बाद वीट आता है, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जो है जीनस है, फैमिली है इसका पोइके और ऑर्डर इसका पोयल्स, और ये मोनोकोटिलेडने में आता है यानी कि मोनोकोटिलेडन, ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है तुमको, ठीक है। और भी तुमको ह्यूमंस का ही देखना है तो ह्यूमन का ही देखो, मैं बता देती हूँ एग्जांपल ही समझ लो, मुझे तो याद है, तुमको क्या करना होगा इसको कहीं लिख लो तुम, ह्यूमंस में बता रही हूँ मैं, देखो ह्यूमंस का किंगडम है एनिमेलिया, ह्यूमंस का फाइलम है कॉर्डाटा, ह्यूमंस का क्लास है मेमेलिया, ह्यूमंस ऑर्डर में आता है प्रीमेट्स के, फैमिली है होमिनिडी, जीनस है होमो, स्पीशीज है सेपियंस, तो आई थिंक इतना तो इसमें भी दिया हुआ है, जो नहीं दिया हो वो लिख लेना तुम लोग, ठीक है। फाइलम कॉर्डाटा में ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे तो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सब हम स्टडी करेंगे, इसके लिए अभी तुम ना नेक्स्ट वीडियो पे जाओ बिकॉज ये वीडियो लेंदी भी है और आई थिंक इतना तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो पूछो, डॉर्सल न्यूरल सिस्टम पे जो इंटरेस्टेड है वो पूछ लेना, उसको मैं बता दूंगी कमेंट में ही, तो तुम्हें कमेंट करना है तुम पूछ सकते हो तुम्हें जो भी पूछना है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बच्ची भी इस चैप्टर में तो आई थिंक एक ही वीडियो बचेगी, वो आ जाएगी तुम्हारे पास जल्द ही इस वाले पर, एड्स वाले पर हम पढ़ेंगे कैसे टैक्सोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है क्या है सब कुछ इसमें आएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स में, और मैं होगा तो कुछ पिक्चर्स भी तुम्हें इसमें जो है प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, ठीक है, तो स्किप नहीं करना इसको, ये ज़रूर करना है तुम लोगों को, ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।